सल्फर की बात करते हैं तो ये ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट है, सही है। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं सल्फर के। अच्छा, सल्फर जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। उन अलग अलग फॉर्म्स के अंदर हमारे पास देखो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को अगर मैं और डिस्क्राइब करता चलूँ तो हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं और एमॉर्फस फॉर्म्स होती हैं। तो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं बेसिकली सल्फर की। एक रोम्बिक सल्फर है, एक मोनोक्लिनिक सल्फर है और एक प्लास्टिक सल्फर है, यानी कि अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और गामा सल्फर इनको नाम दिए जाते हैं। इनमें से अगर मैं 2 फॉर्म्स की बात करूं, यानी कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ये नेचुरली पाई जाती हैं दुनिया के अंदर। दे आर नोन एज द क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कहलाई जाती हैं और ट्रू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर कहलाती हैं। अगर प्लास्टिक की बात करूं तो ये दुनिया में पाई नहीं जाती, ये मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म है, आपको इसे बनाना पड़ता है। तो ये नॉन एलोट्रॉपिक या नॉट ट्रू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर या फिर एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर का नाम दिया जाता है। ये 3 कॉमन फॉर्म्स हैं सल्फर की, तो एक एक करके सबको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं जरा रोम्बिक सल्फर से। कुछ मैंने पॉइंट्स मेंशन कर दी हैं, स्टेरिक के साथ सारे पॉइंट्स को सेपरेट कर दिया है। रोम्बिक सल्फर इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म। देखो, क्रिस्टलाइन फॉर्म किसे कहते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं। उनमें डिफरेंसेस होते हैं क्रिस्टल के, यानी कि उनके जो क्रिस्टल लेगीज हो गए, इनके क्रिस्टल का जो शेप होगा वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। इसका शेप आप देख रहे हैं, क्राउन शेप कहलाता है, ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल शेप है। सल्फर क्या आपके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात बताई जा रही है, इट्स एन ऑक्टाहेड्रल शेप ना, इसका ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी कहते हैं इसे हम। S8 यूनिट सेल, यानी कि इसमें होता क्या है कि इसमें आपके पास 8 सल्फर होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये 8 सल्फर होते हैं, ये 8ों के 8ों सल्फर होते हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और एक रिंग बना रहे होते हैं। उस रिंग की मदद से ऑक्टाहेड्रल शेप बनता है और इस ऑक्टाहेड्रल शेप को जब हम देखते हैं 3 डायमेंशनल वे में तो हमें एक क्राउन शेप नजर आता है। तो इस वजह से इसे क्राउन शेप कहते हैं, ये आपके पास एक क्राउन शेप कहलाता है। कहा जा रहा है मोस्ट अबंडेंट फॉर्म। आप नॉर्मली घर में देखते हैं कि आपके वालिद साहब जब टैंक, बहुत पानी का टैंक जब गंदा हो चुका होता है, उसकी सफाई के लिए कुछ लेकर आते हैं, तो फिटकरी नॉर्मली एलम, इसी चैप्टर का टॉपिक है हमारे पास, ग्रुप नंबर 3 के अंदर आता है, एल्युमिनियम से रिलेटेड हमारे पास सॉल्ट्स में था, डबल सॉल्ट। तो उसके साथ साथ एक चीज और आती है, पीले कलर का, येलो रंग का पाउडर होता है ना, वो छोटे छोटे पत्थर, ये पाउडर, तो वो ये होता है रोम्बिक सल्फर, जिसे आप उर्दू जबान में गंधक का नाम देते हैं, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा कॉमनली यही सल्फर की फॉर्म पाई जाती है 3 के मुकाबले में। मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है, येलोइश रंग का होता है और लेमन येलो पाउडर होता है इसका। मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये बिल्कुल स्टेबल है ऑन अर्थ सरफेस, ये बिल्कुल स्टेबल फॉर्म है, इसके अंदर जो है वो अनस्टेबल देखी जाती है। अच्छा, पाया मतलब टेम्परेचर की कोई ना, सल्फर में टेम्परेचर को बड़े कॉशनरी अंदाज में देखा जाता है। एक्सिस्ट बिटवीन बिलो 90 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे का जब टेम्परेचर होगा तो सल्फर की ये फॉर्म पाई जाएगी। तो आगे क्या है वो आगे वाली कहानी में आगे देखेंगे। 95 से पहले रोम्बिक सल्फर पाया जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट आपके पास 112.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये सल्फर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है कंप्लीटली। अच्छा, इनसॉल्युबल वाटर, जैसे हम जानते हैं पानी में सल्फर की कोई भी फॉर्म जो है वो सॉल्युबल नहीं होती, तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बट इन कार्बन डाइसल्फाइड, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑर्गेनिक लिक्विड्स में डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन ये कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर की फॉर्म डिजॉल्व हो जाती है नॉर्मली जो देखा जाता है। ये था रोम्बिक सल्फर। अच्छा, इस रोम्बिक सल्फर से ही मोनोक्लिनिक सल्फर आता है नॉर्मली ना। मोनोक्लिनिक क्या है भाई? ये रहा मोनोक्लिनिक। एक छोटी सी चीज, मैं मोनोक्लिनिक सल्फर की कोट करता चलूं, ये था आपका रोम्बिक सल्फर, आपने टेम्परेचर को आगे लेके जाना है 95 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे जाएंगे तो आपके पास ये चीज बन जाएगी मोनोक्लिनिक सल्फर। 95 से वापस नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा? रोम्बिक। रोम्बिक क्या है? 95 से पहले है, 95 अभी लिखा हुआ था ना, बिलो 95, तो 95 से ऊपर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है? मोनो सल्फर में। 95 मोनोक्लिनिक सल्फर है और 95 डिग्री सेंटीग्रेड से पीछे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रोम्बिक सल्फर में। बात यहां तक आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। अच्छा, प्रिज्मेटिक सल्फर कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपके पास इस अंदाज से है। S8 यूनिट सेल, इसमें भी S8 ही है। इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, तो सल्फर्स है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली एसिड होते हैं,